मेरे बच्चे का ऑपरेशन करवाने टेस्टिस में प्रॉब्लम था उनकी, एक अंड उसका नहीं बचपन से दिख रहा था। तो हम सोचते रहे, तो उसके बाद मोबाइल से अपने यूट्यूब पे सर्च किया और स्टार हॉस्पिटल जालंधर दिखा एक वीडियो, तो सर तुरंत बोले कि इसका जो है आप ऑपरेशन करवा लीजिए और नॉर्मल हो जाएगा। और परसों ही हमने ऑपरेशन करवाया, और जिससे एक ही दिन के बाद बच्चा चलने फिरने लगा और फर्स्ट क्लास का अपना खा पी रहा है, और मैं एकदम खुश हूँ और सर से एकदम संतुष्ट हूँ। इन्होंने और मैं यूपी से हूँ, मैं मेरे बच्चे का ऑपरेशन करवाने टेस्टिस में प्रॉब्लम था उनकी, एक अंड उसका नहीं बचपन से दिख रहा था। बचपन में उसका तो पता नहीं चला, लेकिन जो है बाद में ये चीज़ें मजे मजे करके 6 साल 6.5 साल बाद पता चला। तो उसके बाद में हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम गए गोरखपुर डॉक्टर को दिखाए, और वहाँ उन्होंने बताया कि आप जा करके कहीं इलाज करवा लीजिए। तो हम सोचते रहे, तो उसके बाद मोबाइल से अपने यूट्यूब पे सर्च किया और स्टार हॉस्पिटल जालंधर पंजाब में दिखा एक वीडियो, तो उसमें सर जी का अच्छा हमको स्पीच लगा इसके बारे में। देखते देखते हमको जितना समझ में आया, उसके बाद हम एकदम मन में बना लिए कि अब नहीं, मुझे यहाँ कुछ करवाना, सीधे सर के पास जाना जालंधर और स्टार हॉस्पिटल पे। और अच्छे से यहाँ देखा, सारी हॉस्पिटल जानकारियाँ हम मिली, सर से भी मुलाकात हुआ। सर तुरंत बोले कि इसका जो है आप ऑपरेशन करवा लीजिए और नॉर्मल हो जाएगा बहुत अच्छे से। फिर जो है बच्चे का ऑपरेशन करवाया यहाँ पे, तो इसको दूरबीन से करते हैं, तो बच्चे के जो पेट में होता है 3 छोटे छोटे बिंदिया के जैसा होल बनाया जाता है छोटे छोटे, और उसी के रास्ते से सारा काम हो जाता है। और मेरा तो बच्चा स्वस्थ है, ठीक ठाक है, खेल रहा है। और परसों ही हमने ऑपरेशन करवाया, और जिससे एक ही दिन के बाद बच्चा चलने फिरने लगा और फर्स्ट क्लास का अपना खा पी रहा है। तो डॉक्टर साहब जो है बहुत अच्छे हैं, इसका कोई जवाब ही नहीं, हमेशा जान लीजिए कि एकदम घुल मिल के रहते हैं और कोई अकड़ नहीं है इनके अंदर। और मैं एकदम खुश हूँ और सर से एकदम संतुष्ट हूँ।